हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमीषा केक एंड कुकिंग। फ्रेंड्स, आज की केक हाफ केजी की चॉकलेट फ्लेवर की केक है। ये केक किसी ने अपने बेटे और बहू के वेलकम के लिए बनवाई थी। उनका बेटा और बहू अमेरिका से आ रहे थे, उनकी बहू पहली बार आ रही थी, तो उसके वेलकम के लिए उन्होंने बनवाई थी। उनको केक सिंपल और क्लासी चाहिए थी और टेस्ट में बहुत बढ़िया चाहिए। तो आज की केक स्पॉन्ज बनाने के लिए मैंने 180 ग्राम चॉकलेट प्रीमिक्स लिया है। 2 टीस्पून ऑयल डालकर बैटर बनाकर इसे ओटीजी में बेक कर लिया था। इसे हम 3 लेयर में कट कर लेंगे और फर्स्ट लेयर रखेंगे और इसे शुगर सिरप से सोक करेंगे। शुगर सिरप के लिए यहाँ मैंने 1/2 कप पानी लिया है और 2 टीस्पून हम पाउडर शुगर डालकर शुगर सिरप तैयार कर लेंगे। 1/2 केजी के लिए यहाँ पे मैंने 200 ग्राम क्रीम को स्टेप पेक आने तक बीट कर लिया था। और घनाश बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम डार्क चॉकलेट ली है और 50 ग्राम व्हिपिंग क्रीम लेकर इसे डबल बॉइलिंग मेथड से मेल्ट कर गनाश रेडी कर लिया है। अब हम व्हिपिंग क्रीम में 2 से 3 चम्मच इस गनाश को ऐड करेंगे और चॉकलेट फ्रोस्टिंग रेडी कर लेंगे। यहाँ पे टॉप सरफेस पर क्रीम से कोई डेकोरेशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्रीम को 200 ग्राम ही व्हिप किया था। फर्स्ट लेयर पर हम क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करेंगे। देन यहाँ पे 1 चम्मच गनाश हम ऐड करेंगे और उसे भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने टॉप लेयर को उल्टा करके रखा है ताकि हमारे केक में अच्छे से हाइट आए। और सबसे पहले आपको बीच के सभी गैप्स को फिल करना है। अगेन सेम प्रोसेस हमें रिपीट करनी है। क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करेंगे, गनाश को स्प्रेड करेंगे। गनाश डालने से केक का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। आप इस मेथड से चॉकलेट केक ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपकी केक बहुत बढ़िया बनेगी। यहाँ पे मैंने 3rd लेयर को भी अच्छे से सेट किया है, शुगर सिरप से सोक किया है और केक को हम क्रम कोट कर लेंगे। क्रम कोटिंग करकर आपको केक को फ्रिज में 1/2 आवर के लिए सेट करना है। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप एटलीस्ट 15 मिनट के लिए इसे सेट ज़रूर कीजिएगा। वही चॉकलेट फ्रोस्टिंग को मैंने पाइपिंग बैग में फिल किया है और इस तरह से हम चॉकलेट फ्रोस्टिंग को केक पर अप्लाई करेंगे और साइड की वॉल्स को स्मूथ करेंगे। देन टॉप सरफेस की स्मूथनिंग कर लेंगे। साइड में आप इस तरह से स्क्रैपर से स्मूथनिंग कर सकते हैं। देन एक्सेस क्रीम को आपको इस तरह से रिमूव करना है और इसकी स्मूथनिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैंने टूथपिक से इस तरह से डिज़ाइन बना ली थी। 1/2 पोर्शन में हम गनाश फिल करेंगे और 1/2 पोर्शन हमें इसी तरह से खाली छोड़ना है, वहाँ हम कुछ और डेकोरेशन करेंगे। तो इस तरह से हम पहले ड्रिपिंग करेंगे, देन 1/2 पोर्शन जो है उसे हम इस तरह से गनाश से कवर करेंगे और इस तरह से पैलेट नाइफ से स्मूथनिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैंने कुछ चॉकलेट के गार्निश तैयार किए हैं, तो इस तरह से मैंने डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर मोल्ड में डाला था और 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में सेट कर लिया था। केक में जो गनाश वाला पोर्शन नहीं है वहाँ पर हम इस तरह से सभी चॉकलेट गार्निश को प्लेस करेंगे और साइड वॉल्स पर भी हम इस तरह से चॉकलेट को प्लेस करेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ गोल्डन फ्लेक्स दिए हैं। वीडियो में दिखाए गए तरीके से आपको इस तरह से गोल्डन फ्लेक्स को लगाना है और जो ट्रफल वाला पार्ट है वो खाली खाली सा लग रहा है, तो वहाँ पे हम एक फोंडेंट का टॉपर लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे फोंडेंट को रोल आउट कर कुकी कटर से काट कर इस पर उनके बेटे और बहू का नाम लिखा था। आप देख सकते हैं इस तरह से आज की सिंपल एंड क्लासिक चॉकलेट केक रेडी है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। आज का वीडियो, आज की केक डेकोरेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।